टाइम हो रहा है 5:30। हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज चलते हैं भाई 11 नंबर की गाड़ी से। भाई रोड पे बिल्कुल घुटन दे रहा है। आज बाइक और गाड़ी छोड़ के पैदल हो लिए भाई। 2-4 मिनट ऊपर हो चुके हैं। 7 किलोमीटर लंबा डिस्टेंस है, देखते हैं टाइम से पहुंच पाएंगे कि नहीं। इब्बत और राम ने भाई फर्श पे बिठा रखे हैं। एक दिन अर्श पे भी बिठा होगा, उस दिन का इंतजार है। और सफर थोड़ा लंबा है, खींच के लेते हैं भाई। टाइम 40 हो चुके हैं अप्रोक्स, 41 मान लो। अभी घर से बस थोड़ी सी दूर ही आ पाए हैं। मैं तो ये सोचता हूँ कि तकरीबन आधा इंडिया पैदल वॉक करता है। किसी की मजबूरी होती है, किसी को वेट कम करना होता है, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। गाड़ी बाइकों में घूमते घूमते पैदल चलना भूल जाता है इंसान। तो अब मैं धीरे धीरे वीक में 1 या 2 दिन स्किप कर देता हूँ बाइक या गाड़ी। उसमें मैं सोचता हूँ, कोशिश करता हूँ कि लिफ्ट ना लूँ और 7 किलोमीटर 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर जितना भी हो वॉकिंग डिस्टेंस वॉक करके ख़त्म करो। मज़ा आता लाइफ में, एक किक मिलती है भाई। टाइम हो चुका है 46। हम अभी ये भाई सब्जी मंडी जा रहे हैं, सब्जी लेने। हम अभी मेन हाईवे पे पहुंचे हैं। अभी अपने पास अप्रोक्स 10-1 मिनट और है। और भाई पसीना आने लगा और मज़ा आ रहा भाई ज़िंदगी में। ऐसे पागलबंदी करती रहनी चाहिए, वो भी क्या जीवन है। क्या भी वही स्टार्ट करा, एक्सीलरेट कर दिया, कभी खुद की भी क्या भी घुमा, मज़ा लो लाइफ का यार। पर मज़ा आ रहा, पहुंच के बताऊंगा कैसा एक्सपीरियंस है। सबसे बड़ी बात ये है कि एक तो 8-9 किलोमीटर का वॉकिंग डिस्टेंस है, दूसरी बात 8 घंटे खड़ा रहना है, तीसरी बात वापस 8-9 घंटे का वॉकिंग, वो 8-9 किलोमीटर का वॉकिंग डिस्टेंस है। बॉडी झेल पाती है नहीं झेल पाती, वो देखना है। पैर वैर सूजेंगे वो भी दिखेंगे। चलिए भाई मेन हाईवे पे पहुंच चुके हैं। ये बहुत ही जानी मानी कंपनी है यहाँ, गुडियर। ये भाई डिवाइडर कूद रहा है, जो कि बहुत गलत है। हाँ मेन हाईवे पकड़ लिया हमने भाई, हम चलेंगे फुटपाथ। लेकिन इंडिया के फुटपाथ भी भाई साहब, रोड तो टूटे हुए हैं, फुटपाथ उससे ज़्यादा टूटे हुए हैं भाई। चलिए सेफ जर्नी। 10 मिनट है अपने पास, लेकिन कोशिश करेंगे 5 मिनट में पहुंच जाएं। सामने से गाड़ी आ रही है, आगे भी देखना ज़रूरी है। चलो आगे दिखाते हैं क्या होता है। शहरों में हाईवेज पे देखो कितनी भीड़ है, गली मोहल्ले कॉलोनियों में लोग अभी तक सो रहे हैं। वाह वाह, भाई उजाला हो चुका है। जहाँ हमें पहुँचना है वो थोड़ी सी दूर है, उसके बाद जहाँ हमें पहुँचना है वो थोड़ी सी दूर है
उसके बाद रिकॉर्ड नहीं कर सकते, सिक्योरिटी रीजंस है, क्योंकि जॉब प्रोफाइल ऐसी है। थोड़ी दूर पहले मैं रिकॉर्डिंग रोक दूंगा, ड्यूटी करेंगे 8 घंटे के बाद जब घर वापस आएंगे वो रिकॉर्ड करेंगे, रिव्यू रिकॉर्ड करेंगे कैसा दिन रहा। और 100 किलो के आदमी के लिए 8 16 और 8 घंटे खड़ा रहना, मतलब 10 घंटे का वर्कआउट सेशन समझ लो इसको, 1 घंटा जाने में, 1 आधा घंटा जाने में 9 घंटे का समझ लो। इसमें 100 किलो के आदमी के लिए कितनी मुश्किलें आती हैं भाई, वो देखेंगे आज, नया एक्सपीरियंस देखेंगे। मैं तो कहता हूँ ऐसे ऊट पटांग काम करते रहने चाहिए। सब्जी में गरम मसाला ना हो ना, बोरिंग हो जाती है। ऐसी जीवन में मुश्किलें ना हो तो बोरिंग हो जाती है। आप हाईवे का रिव्यू देखो। भाई 6 बजने में 5 मिनट बचे हैं और सामने एक मेट्रो स्टेशन है, उस तक हमने पहुंचना है। टाइम बहुत कम है, 5 मिनट की देरी से चल रहे हैं क्योंकि हमने सोचा था 5 मिनट पहले चलेंगे, पहले पहुंच जाएंगे। लेकिन भाई 100 किलो की बोरी खींचना इतनी आसान बात नहीं है। और ये स्ट्रगल इसलिए चल रहा है कि भाई इतने मोटे हो चुके हैं, ये अभी कम हो गया तो हो गया, नहीं तो नहीं होगा। सांस भी चढ़नी जरूरी है, पसीना निकलना भी जरूरी है। लेकिन अब डेली बेसिस पे करेंगे अगर मजा आ गया जी। भाई जी इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, हम अपनी लोकेशन पे पहुंच चुके हैं। टाइम दिख रहा होगा आपको 6 बज रहे हैं। इसके आगे की लोकेशन हम दिखा नहीं सकते। ये कुत्ते भौंकने लगे भाई, देखो ये कह रहे क्या रिकॉर्ड कर रहा है, पागल हो गया क्या? अगर इंसान खुद से बातें करे तो कुत्ते पीछे लग जाते हैं। एक नया लेसन मिला आज लाइफ। चलिए वीडियो को यहीं एंड करते हैं, फिर आपसे मिलेंगे घर आते टाइम। भाई आज की वीडियो में थोड़ा सा बदलाव है, इमरजेंसी काम पड़ने के कारण हमारा भाई आ गया थी गाड़ी ढूंढी गौतम, इसकी गाड़ी ठीक करवानी जरूरी है। ना कैमरा तो लोग डरे महंगे भी डरे ना भाई, फिर कल करेंगे टास्क पूरा, कल करेंगे मास्टर नीलम हो हाँ ऊपर होके ठीक है। आगे एक वीडियो दिखाते हैं क्या गाड़ी काम है, गाड़ी ठुक के छोटी सी वो रिपेयर करवा के फिर घर चलेंगे। भाई बहन कर जाम में फंस चुके हैं, अभी दिखाता हूँ तुम्हें क्या ये देखो। टाइम हो रहा है 2:20, अब देखना ये कितनी देर में पहुँचेंगे, कितनी देर में गाड़ी ठीक है। मिशन अभी अधूरा है, कल पूरा करेंगे पूरी वॉकिंग डिस्टेंस। और आज तो भाई ड्यूटी में बैठ गए थे, स्टैंडिंग नहीं थी, थोड़ी बहुत देर खड़ा रहना पड़ा। साथ बने रहिए, वीडियो में आगे बहुत मजा आने वाला हाँ सीधल है भाई और टेम हाँ और आगे चल। भाई हम पहुंच गए तिकोना पार्क मान, ये गाड़ियों की मंडी है। वाह वाह वाह, रुक जा, एक हमारा जानकार है, रोटी चल रही है। चलो
बहुत ही खुशी का माहौल है। गाड़ी भी पेंट हो चुकी है, विंडो टेंट निकल गया, एक वायर होता फ्यूल कैप का वो सही करवा लिया। अब घर की ओर परेशान कर रहे हैं, भाई हमें घर छोड़ेगा और फिर भाई जाएगा आगे। गौतम जी गाड़ी ठीक करवा के कैसा लग रहा? बहुत अच्छा फील महसूस हो रहा है। बहुत ही अच्छा महसूस भैया, घर पहुंच के बताते हैं। भाई वो भाई अभी छोड़ के गया है गाड़ी में, यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस है घर का, और घर जाके देखते हैं मायरा क्या कर रही है। आज का दिन तो बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है भाई, शाम के बज रहे हैं, 5 बज चुके हैं। ये देखो सुबह 5 बजे उठ के तैयार हुए और 5 बजे घर पहुँच रहे हैं, 12 घंटे।